हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग मैथ की कक्षा देखेंगे। ये जो बुक है ये सगीर अहमद सर की बुक है और मैं इसका टोटल एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है बहुत काफ़ी सवाल है इसमें और हो सकता है ये पार्ट वाइज में रहेगी और मैं इसे प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके रख दूँगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन को देखें बनाएं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन का अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हमको कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, मैं उसको कोई ना कोई उपाय बताऊंगा सॉल्व करने का। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नंबर वन नंबर है 25% का 25% कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, 25% परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, और गुना कर दिए फिर 25% है तो 25/100। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको इसका आंसर कितना आएगा, तो 25 को गुना कर देंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको इसको कटाने लगते हैं, कटाने से आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कटा सकते थे लेकिन आपको नहीं कटाना है, जब भी 0 0 रहे 1 पे तो कटाना बेहतर नहीं होगा, आपको जल्दी सॉल्व कराएगा। इसको इसको गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 625 आ जाएगा और नीचे 40 आ जाएगा, और 4 अंक के बाद आप इसको दशमलव लगा दीजिए। इसका मतलब कि 3 डिजिट और 1 डिजिट लगा, 0.0625 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आपका। ठीक, फिर 2 नंबर सवाल देखते हैं आपका। 2 नंबर सवाल है 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो सिंपल सा सवाल है, 300 का 25%, इसको मुंह से भी बना सकते थे, इसका 25% कितना होगा, 10%। किसी भी संख्या का 10% होता है 30 रुपया, 20% होगा 60 रुपया, और 5% निकालना है 15 रुपया, 75 रुपया। 75 का फिर 20% निकाल देना है तो 75 का 20% कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए, 75 का 20% अगर 75 है, इसका 10% निकालेंगे 7.5, 7.5 × 15 यानी कि 15 आंसर हो जाएगा इसका। शायद आप लोग को समझ में नहीं आया, फिर से मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 300 × 25/100 / 20/100, आप ऐसा लिख लिए, इसको इसको कटा दीजिए, कट गया, 20 × 5 = 100, 5 × 25 = 25, 5 × 3 = 15, बराबर कितना आएगा, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 नंबर सवाल की हम बात करते हैं तो 3 नंबर देखिए, इधर से दिखाता हूँ मैं इसको। 3 नंबर कहता है वाट का 11.5% बराबर 46। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वाट को एक्स मान लीजिए, जब भी क्वेश्चन मार्क करें उसको एक्स मान लीजिए, 11 × 22 = 27, 27/2, और ध्यान से देखिए परसेंट बटा 100 होगा तो गुना चल जाएगा, 1/100 हो जाएगा और बराबर 46। ठीक है, 23 × 2 = 46, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 200 और यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो इधर उधर गुना करेंगे तो 400, यानी कि बराबर 400 आंसर हो जाएगा आपका एक्स का मान। ठीक है, अगर हम 4 नंबर की बात करें तो आपका 4 नंबर सवाल है 30 kg का 10%, यानी कि 30 × 10/100 kg है, उसको समझिए कि kg होगा, और x × 40/100। ठीक है, 100 100 यहाँ कटा लीजिए, 10 × 40 कटा लीजिए, 4 × 7 = 28, 29 = 30, 2 × 20 = 25, 7.5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 5 नंबर अगर हम सवाल की बात करें तो 5 नंबर सवाल है आपका 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का 8%, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम आपको ट्रिक से बताते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका से 2350 का, देखिए ध्यान से देखिए, का 36%। ठीक है, अगर यहाँ 36% बोला गया है तो हम इसको 40% निकाल लेते हैं और इसमें हम 4% घटा देंगे, तो ध्यान से देखिए किसी भी संख्या का 10% कितना होगा, 235, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 40% कितना होगा, तो 4 से गुना कर दीजिए, 5 × 20 = 0 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 13 × 14 = 4 हासिल 1, 4 × 2 = 94, और अगर हम 40% 940 लिख रहे हैं 40% इसका, तो 4 से गुना करेंगे अगर हम इसका निकालेंगे 4%, 1% होगा 10 का 50 पैसा, तो 4% होगा 10 का 50 टका, यानी कि 94 रुपया, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव ऑलरेडी बैठ जाएगा। ठीक है, नहीं होता है ना, आप समझिए कि इसको अलग करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 3, 9 में 13 में 9 जाएगा 4, और यहाँ पे 846। ठीक है, एक पार्ट हो गया,
अब कहता है 1120 का 45%। अब प्लस है यहाँ पे, 1120 का 45% कैसे निकालेंगे, ठीक है, 45% कैसे निकालेंगे, इसका आप 50% निकालिए। अब माइनस 5% कर दीजिए, ठीक है, 50% कितना निकलेगा, किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है, ठीक है। तो देखिए 120, 1120 है, पहले 1000 का हो जाएगा 500 और 120 का 60, ठीक है, तो 560 हो जाएगा 50%, ठीक है। अब इसमें 5%, तो देखिए 112 रुपया होगा 10%, 5% होगा 50 और 6 56, 56 घटा लीजिए इसमें, 10 में 6 जाएगा 4, 5 में 5 जाएगा 0 और 5 504, इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 0 और 4 और 1 5, अब 8 5 13, 1350। अब बराबर उधर देखिए कितना दिया, 3000 का 8% बराबर 3000 गुना एक्स बटा 100, 0 0 कटा लीजिए, ठीक है, 0 0 कटा लीजिए, 3 से कटा लीजिए, 3 चौक 12, 1 बचा 3 बचे 15, 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, 5 नंबर सवाल हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है आपका, वाट का 280 का 55%, तो आप क्या कीजिए, इसको वाट के जगह ऐसे रूट एक्स लिख दीजिए, ठीक है, और 280 का 55%, एक बात बताइए, आपको 280 का 50% निकालना हो तो कितना निकालेंगे, 140 रुपया, 140 और प्लस कर दीजिए आपको 5%, 28 रुपया होगा, 10%, 5% कितना होगा, 14 रुपया। आप इसको, ये जो है आपका 50% बता रहे हैं आप, और ये जो आपका है 5% हो गया, तो 55% तो ही रहा है, 4 4 1 5, 154, ठीक है। अब 154 है और बराबर है उधर 272 का 5/8, आप क्या कीजिए, 272 गुना 5/8 कर दीजिए, 8 से खिला दीजिए, 8 3 24, 3 बचा 8 चौक 32, इसको गुना कीजिए, 5 चौक 20, लेकिन ये ध्यान देखिए बराबर कुछ पर है, यानी कि रूट एक्स प्लस 154 बराबर बराबर के उस पार की बात कर रहा है, तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 3 15 16 17, 170 हो गया, ठीक है, यानी कि रूट एक्स बराबर हो जाएगा 170 माइनस 154, ठीक है, यानी कि रूट एक्स बराबर हो जाएगा 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 6, 6 में 5 जाएगा 1। अब देखिए ये रूट को अगर उस पार भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 16 का स्क्वायर बराबर 256, आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 6 नंबर बन गया। नंबर 7 देखिए, लॉन्ग हुआ मानते हैं, लेकिन लॉन्ग नहीं है, आप बेसिक से अगर बनाएंगे माइंड से तो बहुत जल्दी बनता है सब, 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम लगेगा आपको बनाने में। चलिए नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर सवाल है आपका, 1 सेकंड, 7 नंबर है, 240 का 14% प्लस 11 1 1 2 का इतना का क्या होगा, इनके 100 का वाट, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखिए ध्यान से देखिए, इसका 14% निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका है कि आपको किसी भी संख्या का 1% निकालना है तो कितना निकलेगा, 24.20, ये तो 1% बताता है, हमको 14% निकालना है तो इसको क्या करोगे, 14 से गुना कर दो, 0 14 28 की 8 हासिल 2, 54 56 57 58 हासिल 5, 14 2 42 5 47, ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, इतना मेरा निकला इसका 14%, 478.80। अब इसमें ये जोड़ दीजिए, 1 1 1 2 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 1 1.2, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 10 0 हासिल 1, 7 8 1 7 8 1 9 और 4 1 5, यानी कि 1 अंक, यानी कि 590 मेरा आ गया। अब बोल रहा है बराबर 100 का वाट, यानी कि 590 यहाँ पे लिख सकते हैं, 590 बराबर 100 गुना एक्स, ठीक है, तो 100 गुना एक्स अगर हम करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 0 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दशमलव नहीं देना है क्योंकि ये पूर्णांक में दिया हुआ है, ठीक है, तो 59 बटा हो जाएगा 10, 10 5 50, ठीक है, 50 अब 5 9 10, ठीक है, यानी कि ये मेरा आंसर, नहीं नहीं ये लग रहा है मुझे गलत है, इसको फिर से मैं बनाता हूँ, ठीक है, 7 नंबर फिर से देखिए यहाँ पे, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 200, चलिए इधर बनाता हूँ, 240 का 14%, आप क्या कीजिए 14 से इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, 14 गुना 0, तो 0 लिख दीजिए, 14 दुना 28, 28 की 8 हासिल 2 रख लीजिए, 14 चौके 56 56 57 58 की 8 हासिल 5 रख लीजिए, 14 दुना 28 और 5, 8 5 13 33,
और 2 अंक जो कि हर परसेंट का है नीचे सो आएगा, तो 2 अंक और दशमलव बटा दीजिए। 38.80 में 11 1 1 1.2 जोड़ दीजिए। 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 10 की 0 हासिल 1, 3 4 1 5 और 2 1 3 ठीक है। देखिए ध्यान से, 8 2 10 की 0 हासिल 1 हो गया, दशमलव बटा दीजिए। अब देखिए 8 1 9 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 3 1 4 1 5 और 3 और 1 4 हो जाएगा ठीक है। देखिए 4 5 0 और बराबर है 100 × x, 0 0 कटा दीजिए, 5 2 9 10, 5 9 45, तो आंसर हो जाएगा 4.5 आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से और भी आगे देखेंगे, आज हम लोग 7 नंबर तक देख लिए हैं, 8 नंबर से कल देखेंगे ठीक है। धन्यवाद।